आज 13th दिसंबर है और मैं नीचे ब्रूनो को घुमा रहा हूँ। फिर मैं बैक साइड पे हूँ, इसको पता लग गया पापा ऑफिस जा रहे हैं और इसकी खींचातानी शुरू हो गई है कि मेरे को भी गाड़ी में बैठना है। मैं पीछे की साइड इसको घुमाई जा रहा हूँ, पागल हो चुका है खींचने के चक्कर में। और मैं लिखता नहीं ब्लॉग के शुरू में कि कौन सा ब्लॉग का नंबर है और डेट है, ब्लॉग नंबर ही भूल गया था मैं तो। यूट्यूब खोल के देखे मेरा कौन सा ब्लॉग चल रहा है आजकल, तो ऐसे अभी एडिटिंग तो चल रही है ऊपर, तब तक मैं इसको घुमाने आ गया था। तैयार हुआ और भाई बहुत ही बड़ा क्लेश हो गया, हद से ज़्यादा बड़ा। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ क्या हुआ है भाई। जो ये वाला नलका है ना, ये वाला बीच वाला भाई, ये नॉर्मल नलका है जिसमें ठंडा पानी आता है। तो क्या हुआ, सुबह इसकी स्पिंडल क्रैक हो गई। स्पिंडल ना यार मैं जानता हूँ क्या होती है, ये स्पिंडल होती है, इसकी वजह से नलका लीक करने लग गया। ये सब काम तो मेरे को आते हैं। मैंने क्या किया, ताजे पानी का जो राइट वाला नलका है, मैं सोचा वो तो चलता है 8 बजे, उसकी स्पिंडल खोल के इसमें डाल देता हूँ, इसकी उसमें डाल देता हूँ, वो आधा घंटा लीक करेगा, बाद में नई लेके डाल देंगे। तो भाई मैं लगा खोलने दूसरा नलका रेंज से, भाई ये मैं कर चुका हूँ, मेरे को आइडिया था कैसे खोलना है। मैं खोलता खोलता भाई बैठा पुराना हो गया, जोर ज़्यादा मतलब लूज नहीं हो रहा, जोर ज़्यादा लगते भाई, और नलका ही उखड़ के हाथ में आ गया भाई। यहाँ से दीवार के अंदर से नलका टूट गया। मैं तो भाई नलका पैर दिखाता हूँ आपको, देखो ये नलका, इसकी भाई चूड़ियाँ टूट गई अंदर से, और ज़्यादा दिक्कत यह भाई टाइल के अंदर से टूट गया है। प्लम्बर को बोला है, जैसे नलका गिरा ना, नलका तो पैर पे गिरा भाई, दर्द दिल के अंदर हुआ कसम से। नीचे मैंने सीओडी का कंस्ट्रक्शन दे दिया। मैं कहा किसी भी घर का ताजे पानी का नलका नहीं चलना चाहिए, मेरे बाद चूमे के लिए हो जाएगा। और भाई फिर दूसरी बात है, स्पिंडल तो बदल दी, ये तो स्पिंडल क्रैक थी, मैंने स्पिंडल बदली, इस नलके की स्पिंडल निकाली, बहुत ही दिक्कत हो गया। बस आधे घंटे में प्लम्बर भी आ रहे हैं, देखते भैया क्या बोलते हैं। वैसे प्लम्बर भी आ गया और उन्होंने बोल दिया भाई नया नलका ही लगेगा या फिर नई स्पिंडल ले आओ। तो देख रहे हैं नलके पुराने हो गए, इनकी स्पिंडल लेना मुश्किल मिलती है। तो भैया दीवार के अंदर से तो वो चूड़ियाँ निकाल गए थे और कहते हैं कि जब सामान आ जाएगा मेरे को कॉल कर देना, मैं नीचे ही हूँ। वैसे निकल गया हूँ मैं जाने के लिए, इसके स्पिंडल में इसको तो मिलने नहीं है, पिछले बार पूछा था मैंने, तो कई बार रैली पूछूंगा नहीं, तो कहते नया नलका लिया, वो भी वेट कर रहे हैं, जल्दी निकल जाओ, मैं जा रहा हूँ सामान लेने। पर जिस दिन मैं सोचता हूँ ना कोई काम नहीं होता, उस दिन ना मेरे बहुत काम पड़ जाते हैं, मतलब आज ना पूरा दिन पैक्ड है देख लो। फाइनली सारा सामान मिल गया, बहुत ही खुशी की बात है, स्पिंडल मिल गई। मैंने तो 2-3 इकट्ठी ले ली, मैंने कहा कि फिर होती है बदलने के काम आ जाएगी, तब घर चलते हैं भैया को सामान देते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है। भाई बहुत जल्दबाजी में आया हूँ मैं, और अभी जल्दी में से आया हूँ भाई, 3 बजे मम्मा और मैंने जाना है गौशाला मनसा देवी सकेतड़ी 7 सेक्टर के मंदिर, 3 बजे निकलेंगे भाई। अभी 2:40 हो रहे हैं, हमें को 20 मिनट में ब्लॉग अपलोड करना है अपना, उसके बाद निकल जाएंगे। अपलोड हो जाता है ना, उसमें टेंशन नहीं रहती, मैंने ऐसा सोचा चल ठीक है अब अपना शूट करते रहो, एडिटिंग वगैरह रात को होगी, मैं अपलोडिंग की टेंशन होती है, करते हैं जल्दी फिर निकलते हैं। तो वैसे फर्स्ट डेस्टिनेशन आप सकेतड़ी आ गए हैं, और भाई एडिटिंग तो होगी, बहुत ही लंबा सा काम था वो भी, थंबनेल बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो सकेतड़ी चलते हैं, उसके बाद फिर मनसा देवी और फिर गौशाला। हमें एक्टिवा पे आना है, बहुत ही औखा काम है, मेरी कमर अकड़ चुकी है, कल भी ऐसे दोस्तों को बुद्धि उठाई, वहाँ भी थोड़ी हिल गई थी मेरी। तो चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं, और अंदर मेरे को पता नहीं फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं, हुई तो आपको भी दर्शन करा दूंगा, नहीं हुई तो उनके रूल्स का पालन करते हैं। A few moments later, दर्शन हो गया और अंदर तो अलाउड है नहीं फोटोग्राफी, और पीछे बंदर उत्पात मचाने में लगे हुए हैं, वो अभी तो थे कहाँ गए, बोरे बोरे सामने, अभी दर्शन अंदर से हो सकता है तो अभी इधर से ही कर लो, कि अलाउड नहीं है। अब इसके बाद गौशाला चलते हैं पहले, या फिर पहले मनसा देवी भी निकलते हैं, मैं शूट नहीं करूँगा, पता लगे मेरे फ़ोन भी उठा के लेके। तो वैसे मेन मंदिर तो हम चले गए थे, और अभी पटियाला मंदिर आए थे, मेन मंदिर में तो किसी ने रोका नहीं, तो मैंने शूट कर लिया था, यहाँ पर तो साफ मना ही कर दिया था, लिखा भी हुआ था, और काफ़ी तसल्ली हो रही है, तो 4:30 आए, इतना रश है नहीं, सकेतड़ी तो बिल्कुल ही था, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। अब बस निकलते हैं और गौशाला चलते हैं नंदी के पास। तो वैसे गौशाला तो आ गया, और हमें तो अपना बछड़ा ही नहीं मिल रहा भाई, गायब भी हो गया। एक तो इसमें क्या होता है, वैसे शक्ल देखा डिफरेंस नहीं है, सारे एक जैसे है, 3-4 पे मेरे को डाउट हुआ, मैं कहा ये है, हमने उसको 5-6 बार मारी नंदी, उसका कोई रिएक्शन नहीं आया, फिर हमने वो था नहीं भाई, मिल ही नहीं रहा भाई, सारा खा जा रहा है। एक तो मेरे को इस पर भी डाउट हो रहा है, ये वाला है पर ये वाला है नहीं, तो देखते हैं ढूंढते हैं। केले लाना भूल गए बेचारे के लिए, तो जैसे केतड़ी से केले प्रसाद में मिले थे 2-3, उसमें से एक दे देंगे, मैं क्या करें ऐसा, मतलब मन नहीं करता ऐसे बिना केले डाले, बेचारे का मन होता है
बिना केले डाले निकल जाए हम। अब व्यू देखा ही सारी, अभी चारा डले इनमें, गायें खा रही हैं सारी। ढूंढते पहले मैं फिर मिलता हूँ आपको। भाई मिल ही नहीं रहा, बहुत ही गलत बात है, हमारा बछड़ा गायब हो गया। गलत बात है, तो हमने पूछा कहाँ शिफ्ट किया है, कहते 3 नंबर में, 3 नंबर यही है। अच्छा तो नहीं होता, ढूंढते हैं। अब मैं क्लोज इंस्पेक्शन करने लग रहा हूँ, मम्मी कह रही है मेरे को शक्ल से पता, मैं क्या शक्ल से सबकी सेम होती है, आपको शक्ल से क्या पता है इनको। तो कहते नहीं मुझे पता है, जब पता है देखते हैं। मम्मी को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मिलता है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। गाइस सी दिस, गाइस की सीन देखो। ओहो हो, ये छोटे छोटे बछड़े हैं, ये बाहर रहते हैं। ये भाई सूंग रहे हैं, कैमरा सूंग रहे हैं। हेलो, ये भी कैमरा सूंग रही। ओहो यहाँ है, इसका बेचारे का मुंह थोड़ा टेढ़ा है। सींग तो इसके हैं भाई, ये देखना ना। गाइस बछड़ा तो मिल नहीं रहा, बहुत ढूंढ लिया भाई, पता नहीं कहाँ शिफ्ट किया इन्होंने। अब मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को 5:30 कहीं पर जाना है, 5:55 यहीं हो चुके हैं, तो निकलने की कर रहे हैं। वो और बार मैं देखूँगा अंदर घुस के, मिलता हुआ निकलते हैं, नहीं तो टाइम आज सही में बहुत शॉर्ट चल रहा है। तो वैसे अभी ना 11 खड़े हैं, और भाई ऋतविक और अभिनव के साथ आया था, दोनों मेरे को छोड़ के चले गए, कहते तू नहीं आएगा, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, पता नहीं कहाँ गया है भाई। और टाइम अभी हो रहा है 6:25 हो रहा है, बियर के घर जाना है भाई, दोनों मेरे को लेट कर रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। वैस बैक टू होम, और भाई पता क्या कर रहे थे दोनों मिलके, 11 से ना अभिनव ने कोई गिफ्ट लिया होगा मेरे लिए, तभी मेरे को लेके नहीं जा रहे थे, तो ले आया। अब कहता जब तू घर आएगा तब दूंगा। और भाई एक गिफ्ट और मिला मेरे को, ये भाई एक कार्ड है, मैंने आपको बैक साइड दिखाई है। मैं ना यार एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक ब्लॉग में ना आपको सारे गिफ्ट दिखाऊंगा अपने भाई, ये तो आपको पता नहीं लगेगा कि किसने क्या दिया है। वैसे मैं प्राइवेसी मैं बताऊंगा नहीं किसने क्या दिया है, ऑब्वियसली जिसने जैसे फोटो फ्रेम्स वगैरह दिए उसमें फोटो की तो आपको पता लग जाएगा। आपको एक बार सारे गिफ्ट दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया गिफ्ट आए हैं। मतलब गिफ्ट्स की ना यार जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत वैल्यू करती है मेरे लिए, चाहे कोई कुछ भी दे भाई, बहुत वैल्यू करती है हर चीज़ मेरे लिए। यही सब है यार, यही सब मेमरीज रह जानी है। अब चले जाना है, अभी सारे मिलते हैं, उसके बाद भाई मेमरीज ही है सारी। तो वैसे अभी मैं बियर के घर से आया हूँ, और यार अभी अभिनव से बात हो गया यार, उसके पापा से मिलना ना मेन, तो मतलब पापा फैमिली से मिलना सबसे। उसके पापा 9:30 शॉप से आते हैं, तो मैंने बोला मैं कहा जब भी अंकल फ्री हो, खाना खुना खा ले, अंकल को रेस्ट करने जाए, अब अंकल फ्री हो मैं को रात को कॉल कर दियो, मैं उसी टाइम आ जाऊँगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। देख लो अब 10:05 हो रहे हैं, और मैं अभिनव के घर जाने के लिए निकल गया हूँ, उसका कॉल आ गया था 10 मिनट मैंने लेट कर दिया, मैं कुछ काम करने लग गया था अपनी। और अभी ऋतविक को उठाता हूँ, भाई दो दोस्त जाते हैं, थोड़ा सहारा हो जाता है, ठीक है जा रहे हैं कल्ला, तो चलो कल्ला भी चले जाता है, दिक्कत तो कोई नहीं थी। मैं कहा चल अब तू साथ ही चल, तो जा रहे हैं घर से। फ्री तो हो गया है, और अंदर तो भाई शूट हुआ नहीं, तो वैसे ही मतलब पर्सनल टाइम, मी टाइम। और वो तो 1.5 घंटा गया। हाँ 1.5 घंटा हो गया हमें आए, अभी 11:30 हो रहा है। और अभी इन्होंने एक फ्रेम भी दिया है, ये फ्रेम ना मैं आपको ढंग से तो बाद में दिखाऊंगा, जब सारे गिफ्ट दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। बहुत ही बढ़िया बात ऐसी है, मैंने पढ़ाई नहीं करी है इनके चक्करों में, जब मेरी सप्ली आई ना ये कसूरवार होगा सबसे ज्यादा। कल भाई का पेपर है भाई, तू मेरे जाने पे इतना नहीं कर सकता, तू एक सप्ली नहीं ले सकता यार, सप्ली का 10 सप्लियां आ जाए बस फिर बढ़िया, 10 आएंगे कोई चक्कर नहीं है, जाओगे। तो यार अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, तो अब लॉग इन करते हैं और सोने की तैयारी हो, बहुत नींद आ रही है, पूरा दिन बाहर रहा आपको पता ही है। तो वैसे मैं घर आ गया हूँ, और अभी अभी मैंने मेल खोल के देखी, फाइडो की इतनी लंबी चौड़ी मेल आई है, उसके साथ एक PDF अटैच है, इतनी लंबी चौड़ी पढ़नी शुरू की थी, पर बहुत टाइम लगेगा उसमें। मतलब मेरा फ़ोन नंबर भी आ चुका है अब कैनेडा का, कि कौन सा नंबर है, तो कल जो जो मेरे को मिलेगा मैं उसको दे दूंगा, भाई ये नंबर मेरा सेव कर लो तुम इससे, तो वो मेल पढ़ूंगा, उनकी क्या फॉर्मेलिटीज़ है, ऐप उप जो है उनका, बिल पेमेंट वगैरह, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करूंगा मैं। तो फिर मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग पहले एंड कर दूँ, उसके बाद आराम से बैठ के मेल वगैरह पढ़ूंगा। भाई ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई नो बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि इतना दिन हेक्टिक हो रहा है यार, इतना ज़्यादा, मतलब अभी भी सांस चढ़ गया मेरे को। तो भाई ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।